हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत ही बढ़िया स्वागत है। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत ने अब तक आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश से एक ही मैच, वह भी 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। बांग्लादेश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक ही खेल का प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश के तीन प्लेयरों को छोड़ दे तो बाकी टीम के प्लेयरों ने कुछ खास टूर्नामेंट में टीम के तीन बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं। सकीबुल हसन टीम के लिए अच्छे रन जोड़े हैं और टीम की बॉलिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम की बॉलिंग कुछ खास नहीं है। उन्होंने किसी देश की क्रिकेट टीम को ऑल आउट नहीं किया इस चैंपियंस ट्रॉफी में। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बताया कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी विनिंग प्लेइंग 11 ही उतारेंगे जो हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरी थी, और भारतीय टीम का मनोबल इतना ऊपर है कि वह इस चैंपियन ट्रॉफी को हर हाल में जीतना चाहते हैं। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय टीम के बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में है। भारत और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार है। भारत के खिलाड़ियों के नाम: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह, केदार जाधव, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह इस प्रकार है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम: तमीम इकबाल, सौम्या सरकार, मुशफिकर रहीम, शाकिब अल हसन, सब्बीर रहमान, मोसद्दीक हुसैन, मशरफ मोर्तजा, मुस्तफाजुर रहमान, रुबेल हुसैन, तास्किन अहमद, मेहदी हसन है।